दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। गाइस अगर आपको कोई बैंक क्रेडिट कार्ड नहीं दे रहा है तो आज की वीडियो में आप लोगों को टॉप 4 लाइफ टाइम फ्री ऐसे बैंक के क्रेडिट कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जिनका आप लोगों को किसी भी समय कभी भी कोई भी चार्ज नहीं देना है और ये आप घर बैठे ले सकते हो। दोस्तों आज मैं बात कर रहा हूँ FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड की। कौन कौन से वो FD वाले क्रेडिट कार्ड हैं जो आपको लेना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले दोस्तों क्रेडिट कार्ड लेने के लिए आप सभी लोग जानते हो कि कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ता है। बैंकों के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए, आप कहीं इनकम प्रूफ होना चाहिए आपके पास, कहीं आप जॉब वगैरह करते हो, लेकिन ये सब चीजें हर व्यक्ति के पास पॉसिबल नहीं हो पाती है। लेकिन एक तरीका है जो मैंने अपनाया था। सबसे पहले मैंने एक FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लिया था ICICI बैंक में, तो आप भी ये काम कर सकते हो। मैं आप सबसे पहले बता दूं आप लोगों को कि इनके लाभ, सबसे पहले गाइस मैंने बताता हूं आपको इनके लाभ कि क्या क्या लाभ होते हैं इन क्रेडिट कार्ड को लेने के, FD अगेंस्ट वाले क्रेडिट कार्ड को लेने के। फिर आपको बताऊंगा कौन कौन सी बैंकें हैं वो आपको क्रेडिट कार्ड देती हैं, कैसे लेना है। गाइस सबसे बड़ा इसका लाभ होता है कि आपका इसमें कोई क्रेडिट स्कोर चेक नहीं होता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को लेते हो, जो भी FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड होते हैं उनमें आपका कभी क्रेडिट स्कोर देखा ही नहीं जाता है, आप डायरेक्ट ले सकते हो इनको। दूसरा सबसे बड़ा लाभ होता है कि इसमें जो आप FD करते हो उस पर आप लोगों को ब्याज मिलता है और अच्छा खासा ब्याज रिटर्न देखने को मिल जाता है। दोस्तों जो भी क्रेडिट कार्ड आप लेते हो FD अगेंस्ट किसी भी बैंक से, इस क्रेडिट कार्ड पर आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है। मतलब कि आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपका क्रेडिट स्कोर नहीं बन रहा होगा, लेकिन अगर आपने कोई भी FD का क्रेडिट कार्ड ले लिया किसी बैंक से तो आप लोगों को यहां पर क्रेडिट स्कोर बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और 5 से 6 महीने के बाद ही आप एक क्रेडिट कार्ड के तौर पर, आप सभी जानते होंगे कार्ड टू कार्ड बैंक पर आजकल क्रेडिट कार्ड मिलते हैं, जैसे कि आपने एक बैंक का क्रेडिट कार्ड 25,000 रुपए लिमिट के साथ एक FD करके लिया तो आप 6 महीने के बाद आपको स्कोर भी बन जाएगा, और नहीं बनता है तब भी आप दूसरी बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं एक बैंक के क्रेडिट कार्ड के थ्रू, तो कार्ड टू कार्ड बेस पर भी आपको एक दूसरी बैंक का क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, तो फिर आप FD वाला क्रेडिट कार्ड बंद करा सकते हैं। क्योंकि ये प्रोसेस मैंने किया था 2020 में, मेरे पास कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था जब, तो तब मैंने क्या किया था ICICI बैंक में एक FD वाला क्रेडिट कार्ड बनवाया था 25,000 रुपए की लिमिट के साथ, उसके बाद मैंने कार्ड टू कार्ड बेस पर यस बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया था, तो आप भी ये काम कर सकते हैं। दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड को लेने के और सबसे बड़े फायदे ये होते हैं, इसमें गाइस आपका कोई भी इनकम प्रूफ नहीं लगता है, डिजिटल प्रोसेस होता है 100% डिजिटल, आप घर बैठे ले सकते हो। जैसे ही आप इसमें FD करते हो तो आपको इंस्टेंटली एक वर्चुअली क्रेडिट कार्ड मिल जाता है जिसे आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो, और 7 दिन के अंदर जो फिजिकल कार्ड है वो आपके घर पर आ जाता है। दोस्तों अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि FD वाला क्रेडिट कार्ड लेने से हमारे लिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें कोई अंतर होता है, जो बैंक क्रेडिट कार्ड देती है प्री अप्रूव तौर पर या फिर वैसे लेते हैं हम सैलरी स्लिप पर, उसमें और इसमें कोई अंतर तो नहीं होता है। तो देखिए कोई भी अंतर नहीं होता है, आपको जो भी फेस्टिवल ऑफर कई वेबसाइट पर कोई भी डिस्काउंट कूपन जो उस वाले क्रेडिट कार्ड पर मिलते हैं, तो जो भी आपको बेनिफिट उस वाले क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट एंड फीचर आपको इस वाले FD वाले क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलते हैं, यहाँ तक कि रिवार्ड पॉइंट वगैरह से लेके सारे के सारे बेनिफिट आपको इसमें भी मिल जाते हैं। बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि भाई FD कर दिए, फिर आपका FD का नाम सुनते ही वो लोग सोचते हैं कि आप तो हमारे लिए 1-2 साल या 5 साल तक के लिए भूलना पड़ेगा उस पैसे को, अब उसे बीच में नहीं तोड़वा सकते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है गाइस। FD अगर आप डायरेक्ट बैंक में जाकर करते हो ना तो आप वहां पर नहीं तोड़वा सकते हो कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, लेकिन अगर आप FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आप जब भी मर्जी आपकी, जब आप डायरेक्ट फोन करते हो और एक फोन में आपकी FD टूट जाती है और आपका सारा का सारा पैसा आपके बैंक अकाउंट में 7 दिन के अंदर ही आ जाता है और ये क्रेडिट कार्ड भी बंद हो जाता है, या फिर आप ब्रांच में जाकर के भी बोलते हो तो वहां पर भी आपकी FD को ये लोग क्लोज कर देते हैं। यहां तक कि मैंने ICICI बैंक में 2-3 बार FD क्लोज करवाई है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक बार IDFC फर्स्ट बैंक में भी करवाया है, तो मेरा तो भरोसा सारा का सारा प्रोसेस फोन से हो जाता है, तो भाई आप भी ये काम कर सकते हो। तो इस बात का टेंशन नहीं लेना कि आपका यहाँ पर FD क्लोज नहीं होता है, आप जब मर्जी आप कार्ड लेने के 10 दिन बाद भी अगर क्लोज करवा देते हो ना तो भी आपको कोई टेंशन नहीं रहती, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। और ये जो क्रेडिट कार्ड होते हैं इस बिल्कुल लाइफ टाइम के लिए फ्री होते हैं, आपका 1 रुपया आपको नहीं लगता है कभी भी। जो भी आप क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो ना तो उसका ज्वाइनिंग फीस लगता है ना ही उसका कोई एनुअल फीस होता है। अब दोस्तों बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि कौन कौन से वो क्रेडिट कार्ड हैं जो बैंकें हमारे लिए प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि कुछ ही बैंकें हैं जो आपको इस फीचर देती हैं, यानी कि FD वाले क्रेडिट कार्ड देती हैं।
दोस्तों नंबर एक पर मैं अगर बात करता हूं अभी के हिसाब से तो एक न्यू क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है IDFC फर्स्ट बैंक में, वाओ क्रेडिट कार्ड, उसका नाम है वाओ क्रेडिट कार्ड। तो आप वाओ क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। डायरेक्ट जाकर क्लिक करके पर्सनल डिटेल डाल के आप आगे बढ़ोगे तो आपके सामने एक वाओ क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आएगा। अगर आपका स्कोर नहीं होगा तो भाई डेफिनेटली आपको यही क्रेडिट कार्ड मिलेगा IDFC फर्स्ट बैंक में। एक्चुअली पहले क्या था, IDFC फर्स्ट बैंक में आप बहुत ही डिफिकल्ट ऐसी क्राइटेरिया थे और सिलेक्टेड लोगों को ही मिलते थे जो कि अच्छी खासी सैलरी, अच्छा खासा स्कोर था। तो बैंक ने एक FD वाला क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको 5,000 रुपए से FD कर सकते हैं आप। 5,000 रुपए से भी अगर आपके पास है तो 5,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं और आपको एक 5,000 रुपए की लिमिट के साथ एक क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करके थोड़ी बहुत अपनी डालोगे पर्सनल डिटेल और आपके सामने आएगा ऑप्शन, आप पेमेंट करोगे FD का। उसके ऊपर मैंने पर्सनल एक वीडियो बनाकर रखा है तो आप जाकर के देख लेना कैसे FD वाला क्रेडिट कार्ड लेते हैं IDFC फर्स्ट बैंक में। यहाँ पर आपको वीडियो KYC करनी होती है, बस खाता होगा IDFC फर्स्ट बैंक में तो आपको वीडियो KYC भी नहीं करनी पड़ेगी, और अगर आपका खाता नहीं होगा तो आपको वीडियो KYC करनी पड़ेगी, पैन कार्ड आधार कार्ड वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से और आपको ये क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। इस क्रेडिट कार्ड को आप लोगों को इंस्टेंट में लेने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक की नेट बैंकिंग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, मोबाइल एप्लीकेशन इनका, उसमें लॉग इन करना पड़ेगा। 7 दिन के अंदर ये कार्ड आपके घर पर भी आ जाएगा। जब भी आपको कार्ड बंद कराना तो IDFC फर्स्ट बैंक के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना, उनको बताना है कि भाई मुझे कार्ड बंद कराना, इंस्टेंटली आपका कार्ड बंद कर देते हैं विदाउट किसी चार्ज के और पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस से क्रेडिट कर दिया जाता है जिससे आपने FD की थी। बात करते हैं दूसरे वाले क्रेडिट कार्ड की जिसका नाम है ICICI बैंक का चिप प्लेटिनम क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड को लेने का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने खुद FD वाला क्रेडिट कार्ड सबसे पहले यही वाला लिया था। तो इसमें आपका लेकिन अकाउंट होना चाहिए ICICI बैंक में, अगर आपका खाता है तभी आप इसको ले पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको अकाउंट ओपन कराना पड़ेगा, अगर आप अकाउंट ओपन नहीं कराते हैं तो आप इस क्रेडिट कार्ड को नहीं ले पाएंगे। इसमें आपको KYC वगैरह नहीं करनी होती है क्योंकि ऑलरेडी आपका खाता होता है इसमें, तभी ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है। तो बस डायरेक्ट आपको आई मोबाइल एप्लीकेशन में जाना होता है, इनका पर्सनल एप्लीकेशन है, वहां पर जाकर के आपको अप्लाई करना होता है FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड। और अप्लाई करते हैं आप और आपको इंस्टेंटली वहां पर 10,000 रुपए से स्टार्ट होता है इसका FD, और यहां पर आप लोग अप्लाई करने के बाद ले सकते हैं आप इस क्रेडिट कार्ड को और आपको इंस्टेंटली मिल जाता है। 24 घंटे के अंदर आपका कार्ड एक्टिव हो जाता है और 7 दिन के अंदर आपका कार्ड घर पर भी भेज दिया जाता है। जब भी आपको कार्ड बंद कराना होता है डायरेक्ट आप कॉल करोगे, कॉल करने के बाद ICICI बैंक के हेल्पलाइन नंबर से आप इस कार्ड को बंद भी करा सकते हैं। करते हैं तीसरे नंबर की, तीसरे नंबर पर आता है हमारा कोटक महिंद्रा बैंक का ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड। ये भी एक FD अगेंस्ट क्रेडिट कार्ड है। अगर आप कोटक महिंद्रा बैंक में आपका खाता नहीं है अभी तक तो आप 811 अकाउंट खोल सकते हो, लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल जीरो बैलेंस अकाउंट होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता है, तो आप खोल लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। कोटक महिंद्रा बैंक का अकाउंट ओपन करने का लिंक है, सबसे पहले आपको अकाउंट ओपन करना पड़ेगा इसमें, उसके बाद आपको ड्रीम डिफरेंस क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। तो 811 एप्लीकेशन में जाकर के आप क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन में जाकर के अप्लाई करेंगे, वहां पर आपको 10,000 रुपए का फिक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा यानी FD करना पड़ेगा, उसके बाद ये कार्ड आपको मिल जाएगा। तो कोटक महिंद्रा बैंक में आप इस क्रेडिट कार्ड को हैंडल कर सकते हो, इसका भी कोई चार्ज नहीं है, टोटल लाइफ टाइम के लिए फ्री क्रेडिट कार्ड है, आप इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हो। कभी 100% डिजिटल प्रोसेस होता है, इसमें आपका ऑलरेडी अकाउंट होता है तो उसमें कोई KYC नहीं करनी होती है, बस आपको पहले अगर एक खाता होता है आपका तभी ये क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है। जब भी आपको क्रेडिट कार्ड बंद कराना है कोटक महिंद्रा बैंक में तो आपको इसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना होता है, वहां पर आपको रिक्वेस्ट डालनी होती है या फिर आप इनको आप मेल कर सकते हो। अगर आप ब्रांच में जाना चाहते हो तो ब्रांच में जाकर आप इस क्रेडिट कार्ड को बंद करा सकते हो और आपका पैसा वापस से बैंक अकाउंट में आ जाता है। लास्ट और चौथे नंबर की अगर बात करता हूं तो यहां पर एक और क्रेडिट कार्ड है जिसका नाम है एक्सिस बैंक का इंस्टा इजी क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक में इंस्टा इजी क्रेडिट कार्ड भी ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो आपको FD बेस पर मिलता है। आपको यहां पर जाना है एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर, क्रेडिट कार्ड वाले सेक्शन पर जाना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड आप सर्च करेंगे गूगल पर, यहां पर आपको इंस्टा इजी क्रेडिट कार्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको अप्लाई करोगे, आपको 10,000 रुपए की FD करनी होगी और आप इस क्रेडिट कार्ड को ले पाओगे, इसका भी कोई चार्ज नहीं है। दोस्तों FD वाले क्रेडिट कार्ड तो बहुत है मार्केट में, कई बैंकें आपको देती हैं लेकिन उनका चार्ज लगता है। तो मैंने आपको छाट करके टॉप ऐसे क्रेडिट कार्ड बताए हैं 4 जो कोई भी यहाँ पर चार्ज नहीं लेते हैं, लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री हैं, तो आप ले सकते हो इनको। अगर आप एक क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे थे FD वाला तो भाई इनमें से आप कोई से भी ले सकते हो। मेरा सजेशन ये रहेगा कि पैसा आपके पास थोड़ा कम है तो आप IDFC फर्स्ट वाला ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो भाई आप कोई से भी ले सकते हैं।